नमस्कार, मैं श्रुति। आज है 3 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार की बेटी दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची। बिहार की बेटी मिताली प्रसाद बिहार की पहली पर्वतारोही हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किजिमंचारो पर मार्च 2019 में फतह किया था। मिताली पटना विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। इन्होंने पीयू से भूगोल विषय में एमए किया है। आजकल मिताली हर क्लास में जाकर अपने सपने बता रही हैं और दोस्तों से पैसों की मदद की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि मिताली पहली पर्वतारोही है जिन्होंने इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मिताली की अगली मुहिम दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांका गुआ में है। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी सिन्हा अभिनेत्री के साथ साथ रैपर भी हैं। वो अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम सिन्हा की पुत्री हैं। उन्होंने 2010 में सलमान के साथ फिल्मों में पदार्पण किया, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद इन्होंने राउडी राठौर, सन ऑफ द सरदार, हॉलीडे जैसे हिट फिल्मों में बतौर अभिनेत्री अभिनय किया है। इनके फैंस बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हैं। नालंदा में स्थित पावापुरी जल मंदिर में आप देख सकते हैं बहुत कुछ खास। राज्य की राजधानी पटना से लगभग 80 किलोमीटर दूर है नालंदा, जहां ऐतिहासिक पावापुरी जल मंदिर स्थापित है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहां के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। यह स्थान राजगृह से 10 मील दूर है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का सूचक एक स्तूप अभी तक यहां खंडर के रूप में स्थित है। स्तूप से प्राप्त ईंटें राजगृह के खंडरों की ईंटों से मिलती जुलती हैं, जिससे बिहार के कला संस्कृति विभाग ने तैयार की न्यू फिल्म पॉलिसी। बिहार में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अगले माह से नई फिल्म नीति लागू कर दी जाएगी। नई फिल्म नीति लागू होने के बाद फिल्म निर्माताओं को बहुत राहत मिलेगी। नए नियम के अनुसार राज्यभर में बनने वाली फिल्मों के मनोरंजन कर पर छूट मिलेगी। साथ ही राज्यभर में कहीं भी शूटिंग करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो जाएगा। अगले कैबिनेट में फिल्म नीति को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही किसी भी फिल्म मेकर को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए राज्य फिल्म विकास परिषद का गठन किया जाएगा। बिहार में 122 जजों का हुआ प्रमोशन। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 122 जजों को प्रमोशन दिया गया है। 122 जजों को प्रमोशन पटना उच्च न्यायालय की ओर से अनुशंसा करने के बाद की गई है। आपको बता दें कि 10वीं समिति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 10% कोटा और बिहार उच्च न्याय सेवा के प्रावधानों के तहत 65% कोटा के ऊपर जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति की गई है। बिहार में बालू घाटों की बंदोबस्ती शुरू। एनजीटी के आदेश पर राज्य में पहले चरण में करीब 350 बालू घाटों की 5 साल के लिए बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। पहले चरण में अब तक जमुई और लखीसराय जिलों के बालू घाटों की बंदोबस्ती की जा चुकी है। इससे विभाग को 100% से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। यह चरण 19 दिसंबर तक चलेगा और इसमें अन्य 11 जिलों के बालू घाटों की बंदोबस्ती की जाएगी। 20 दिसंबर को बिहार इंडियन रोड कांग्रेस सम्मेलन का होगा आयोजन। इंडियन रोड कांग्रेस सम्मेलन का उद्घाटन 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन से लेकर रोड सेफ्टी और तकनीकी लेवल पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में 2500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इससे पहले बिहार में इस तरह का सम्मेलन 2009 में हुआ था। रोड सेफ्टी के लिए बिहार के IIT और NIT के छात्र छात्राओं से सुझाव लिया जाएगा। सम्मेलन में बिहार संस्कृति से जुड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर नए नए रिसर्च पर चर्चाएं होंगी। साथ ही इस सम्मेलन के दौरान पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य के अलावा अन्य वर्किंग डिपार्टमेंट की संयुक्त बैठक होगी। बिहार में बिजली बिल जानना हुआ आसान। बिहार की बिजली बिल कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को अपनी बिजली बिल जानने के लिए एक नया तरीका निकाला है, जिससे कि उपभोक्ता अपना बकाया बिजली बिल आसानी से जान सकेंगे। आपको अपना बकाया बिजली बिल जानने के लिए 7666008833 नंबर पर मिस्ड कॉल देना पड़ेगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपके बिजली बिल का ब्यौरा मिल जाएगा। बिजली कंपनियों ने इसकी शुरुआत पिछले माह नवम्बर में ही कर दी थी। इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपी चेक करने के लिए नियुक्त होंगे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। बिहार इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा की कॉपियों को चेक करने के लिए 21,000 से ज्यादा कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की बहाली की जाएगी। मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपी चेकिंग के लिए कंप्यूटर के जानकारों को अपॉइंट किया जाएगा, जिससे कॉपियों की मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी आने के साथ इसकी एंट्री भी कंप्यूटर पर हो सकेगी। बिहार बोर्ड ने पहले सभी जिलों में 18,028 मार्क्स पोस्टिंग पर्सनल को नियुक्त करने के लिए कंप्यूटर टीचर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की लिस्ट मांगी थी, जिसके बाद 3,550 और कंप्यूटर के जानकार की जरूरत बताई गई। अब कॉपी चेकिंग के लिए मूल्यांकन केंद्रों पर 21,000 से ज्यादा कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जाएगी। जिला क्रिकेट लीग मैच 20 दिसंबर से शुरू होगा।
सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में भागलपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा 20 दिसंबर से जिला स्तरीय क्रिकेट लीग मैच का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर संघ के अधिकारियों की बैठक डॉक्टर आनंद मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद बताया गया कि सुपर लीग के ग्रुप ए का पहला मैच 21 दिसंबर को बड़ापुरा क्रिकेट क्लब और बड़ापुरा क्रिकेट अकादमी के बीच खेला जाएगा। 23 को यूथ कॉर्नर बनाम बड़ापुरा क्रिकेट क्लब, 25 दिसंबर को यूसीसी बनाम यूथ कॉर्नर के बीच खेला जाएगा। ग्रुप बी का पहला मैच 20 दिसंबर को नवीन क्रिकेट क्लब बनाम छत्रपति क्रिकेट क्लब के बीच होगा। स्वास्थ्य विभाग में 2725 पदों पर होगी बहाली। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 2725 पदों के लिए बहुत जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि बिहार में बेगूसराय, वैशाली एवं भोजपुर में 7 निश्चय के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी एवं झंझारपुर में केंद्र सरकार चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित कर रही है। सभी जगहों पर 100 MBBS छात्रों के नामांकन की क्षमता होगी। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए बिहार के राज्यपाल ने कहा कि अपना लक्ष्य सदैव महान रखिए, अपनी ऊर्जा पर विश्वास रखिए और हार मत मानिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने में बेटियों के बढ़ते वर्चस्व को मैं अच्छे सामाजिक बदलाव के साथ ही नारी सशक्तिकरण के प्रयासों की सफलता के रूप में भी देखता हूं। इस समारोह में कुल 27 स्वर्ण पदक विजेताओं में छात्राओं की संख्या 19 है। मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली मिशन का समस्तीपुर में विरोध। पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा कर रहे हैं और इसके लिए सभी सरकारी तालाबों को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। समस्तीपुर में भी नीतीश कुमार के आगमन से पहले सभी तालाबों पर जमीन का पर्चा देकर और इंदिरा आवास योजना के तहत बसाए गए भूमिहीनों को वहां से हटा दिया गया है, जिसके बाद लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। बिहार सरकार के ग्रुप डी कर्मियों को नया ड्रेस कोड। बिहार सरकार के ग्रुप डी वर्ग कर्मचारियों ड्रेस कोड में बदलाव भी किया गया है। नए नियम के तहत पुरुष कर्मियों को सफेद शर्ट और ग्रे कलर का पैंट पहनना होगा और महिला कर्मियों को सफेद साड़ी पर लाल बॉर्डर होगा। साथ ही उनकी ब्लाउज का रंग भी सफेद किया जाएगा। ठंड के दिन में नीले रंग का स्वेटर या मफलर इस्तेमाल करना होगा। इन कर्मियों को वर्दी भत्ता के रूप में 5,000 रुपए सालाना दिया जाता है। पुराने सचिवालय में जो तस्वीरें दिखी वह यह थी कि ज्यादातर कार्यालय परिचारी बिना ड्रेस के ही थे। सुपर 30 के आनंद कुमार गूगल पर सर्वाधिक खोजे जाने वाली की सूची में। गूगल के ईयर इन सर्च 2019 की सूची में इस साल गूगल के टॉप ट्रेंडिंग पर्सनालिटी कैटेगरी में विंग कमांडर अभिनंदन पहले नंबर पर हैं, जबकि मशहूर गायिका लता मंगेशकर दूसरे नंबर पर, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह तीसरे नंबर पर और आनंद कुमार चौथे नंबर पर हैं। आनंद कुमार गरीब बच्चों को IIT की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में खुलेगा 500 से अधिक वाहन प्रदूषण जांच केंद्र। वाहनों के प्रदूषण की जांच और आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार पर्याप्त संख्या में प्रदूषण जांच केंद्र खोलेगी। प्रदूषण जांच केंद्र अधिक संख्या में होने से आम लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसको लेकर बिहार मोटर नियमावली 1992 के नियमों में संशोधन किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 500 से अधिक जगहों पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए परिवहन विभाग जल्द ही रिक्तियां निकालने जा रही है। इससे करीब 1000 से भी अधिक लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। 900 करोड़ की लागत से पटना में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजधानी पटना में 900 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। बिहार सरकार ने नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए 108 एकड़ जमीन दे दी है, लेकिन अभी 191.5 एकड़ और जमीन की जरूरत है। इस एयरपोर्ट की क्षमता प्रतिवर्ष 25 लाख यात्रियों की होगी। 20 दिसंबर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अरविंद सिंह पटना आएंगे। उनके आने से पहले ही टेंडर हो जाने की उम्मीद है। 18 दिसंबर को जहानाबाद के दौरे पर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार 18 दिसंबर को जहानाबाद के दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर जहानाबाद में सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। डीएम और एसपी समेत कई अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण के गांव चंपापुर से की थी। बिहार के फील्ड ट्रेनिंग पर जाएंगे 8 IPS। बिहार के गृह विभाग ने एक लेटर जारी कर कहा है कि 2017 और 2018
बैच के 8 आईपीएस अधिकारी फील्ड ट्रेनिंग पर जाएंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 8 परीक्षमान पदाधिकारी राजगीर पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए बिहार के 8 अलग अलग जिलों में जाएंगे। 2017 बैच के आईपीएस सौर्य सुमन रोहतास, आईपीएस प्रमोद कुमार यादव पूर्णिया और आईपीएस सागर कुमार गया जिले में 23 दिसंबर से लेकर 23 मई तक फील्ड ट्रेनिंग पर रहेंगे। रोहित और विराट ने T20 में की एक दूसरे की बराबरी। भारतीय टीम के दो प्रमुख खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले कुछ समय से अपने में ही प्रतिस्पर्धा करते दिख रहे थे। हालांकि ये प्रतिस्पर्धा T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने की थी, जिसमें कभी विराट आगे होते थे तो कभी रोहित। लेकिन साल के अपने आखिरी T20 में दोनों ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली सूची में 2633 रन की बराबरी के साथ खत्म किया है। आपको बता दें कि रोहित को जहां 2633 रन बनाने में 104 T20 मैच लगे, वहीं विराट को इतना ही रन बनाने में मात्र 75 T20 मैच लगे हैं। मोनालिसा की साड़ी वाली तस्वीर हो रही है ट्रेंड। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को लेकर हमेशा लाइमलाइट बटोरती रही हैं। मोनालिसा रोजाना कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं। मोनालिसा ने एक बार फिर से अपने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर 10 तस्वीरें शेयर की हैं। मोनालिसा ने जो तस्वीरें शेयर की है उस पर फैंस के काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं। मोनालिसा ने इससे पहले भी इंस्टाग्राम पर अपनी हॉट तस्वीरें शेयर की थी, जिस पर फैंस के कमेंट्स में लिखा हुआ था सो हॉट। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। इस गुलाबी ठंड के मौसम में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी। साथ ही दिन में ठंड का एहसास होगा, वहीं रात होते ही ठंड का असर और तेज हो जाएगा। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 12 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,150 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.71 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 71.99 रुपए प्रति लीटर था। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति ने माना शिक्षकों की है कमी। आरा के महाराणा प्रताप कॉलेज में आयोजित यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता के समापन में बोलते हुए कुलपति देवी प्रसाद तिवारी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। यूनिवर्सिटी के कई ऐसे कॉलेज हैं जहां कई सारे विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं है। बीपीएससी द्वारा जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी सभी की पोस्टिंग विभिन्न कॉलेजों में की जा चुकी है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि प्रवक्ता की बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गिरिराज बोले आज शिवसेना ने पीठ दिखा दी। सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी सीएबी राज्यसभा से भी पास हो गया है। शिवसेना ने इस बिल का समर्थन करने की बजाय सदन से वॉकआउट का रास्ता चुना। सीबीएसई पर शिवसेना के वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सारी उम्र बाला साहेब राष्ट्रवादी बने रहे, आज जब देश के लिए कुछ करने का वक्त था तो शिवसेना पीठ दिखा गई। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अब तक इंडियन क्रिकेट खिलाड़ियों में सबसे शानदार खिलाड़ी कौन है और क्यों? अपने जवाब हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।